দেখবেন খাবার পরে হাঁটতে বলেন লোককে, তাই না? তো নিয়মিত সাইক্লিং যদি করি তো খাবারের মধ্যে যে গল ব্লাডারের মধ্যে যে পাথর হওয়ার চান্সটা ওটা অনেকটা কম থাকে। তাহলে অপারেশন করতে হবে। কার্ডিওভাস্কুলার ফিটনেস উন্নত করে, এটি উদ্বেগ বিষণ্ণতা কমায়। ঠিক আছে, অ্যাংজাইটি কমায়, যেটা আমি বলছিলাম। অনেকে অ্যাংজাইটি আছে, ভয় পাচ্ছে, সাইক্লিং রানিং সুইমিং এইসবগুলো করলে অনেক অ্যাংজাইটি কমে যাবে। এরপরে আমাদের থেকে কাশ্মীর থেকে এসছেন ডক্টর মুনাজা ফিরোজ, উনি কিছু বলবেন স্বাস্থ্য সচেতনতার ব্যাপারে। ম্যাডাম বলুন। হ্যাঁ, আপনি বলুন। হাই এভরিওয়ান, নমস্তে। मैं कश्मीर से डॉक्टर मुनाजा हूँ और मैं रेजिडेंट हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। तो आज का जो हमारा बेसिक मोटिव है वो साइकिलिंग को लेके था, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ साइकिलिंग। सो यहाँ पर सर ने भी बताया और बाकी सब लोगों ने तो ऑलरेडी आपको मेन बेनिफिट्स बता दिए हैं। नाउ आई वुड लाइक टू ऐड, ठीक है? तो आप छोटे छोटे स्टूडेंट्स हो, पढ़ाई करनी है सब ने, किसी ने कुछ बनना है, किसी ने कुछ बनना है, तो साइकिलिंग का एक बहुत अच्छा ये भी है, बेनिफिट है, विच इज़ आपके दिमाग की मेमोरी बूस्ट हो सकती है साइकिलिंग से, ठीक है, एक्सरसाइज से। क्योंकि साइकिलिंग ऑब्वियसली इट्स वन ऑफ एक्सरसाइजेस, तो आप जितना साइकिलिंग करोगे, जितना एक्सरसाइज करोगे, आपकी दिमाग की एबिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है? तो आपका लर्निंग प्रोसेस बढ़ेगा, आपका मेमोरी बढ़ेगा, ये एक फ़ायदा है। दूसरा, छोटे छोटे बच्चों को आज जैसे करने का एंग्जाइटी है, वन ऑफ द रीज़न इज जो आज कल के स्टूडेंट थोड़ा पीछे रह रहे, डिप्रेशन है, वो भी चीज़ है, वो लैक ऑफ स्लीप। आप एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करोगे तो आपको नींद बहुत अच्छे से आएगी, आप नींद बहुत अच्छे से करोगे आप पढ़ाई भी कर पाओगे और बाकी एक्टिविटीज़ को भी अच्छे से ज्वाइन कर पाओगे। ऑल्सो छोटे छोटे बच्चे इवन आज इन्वॉल्व है स्मोकिंग में, तो आपको एक्सरसाइज हेल्प करेगा स्मोकिंग क्विट करने में, इट इज़ वन ऑफ द रीज़न। नमस्कार, मेरा नाम गीता है, मैं GMC श्रीनगर की फ्लोरिस्ट एंड मैं NCC कैडेट भी रह चुकी हूँ। 2017 में RD की थी, तो हमें पता है कि NCC का जो मोटो होता है यूनिटी एंड यूनिटी, तो हमें ये सब बेनिफिट डिस्कस हो गया। डिसिप्लिन हम कर सकते हैं कि हम अगर सिर्फ स्टडीज कर रहे हैं तो उसके अलावा हमें अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए। पहले क्या होता था, हमें कुछ भी चाहिए होता था, हम मतलब चल के जाते थे, बट आजकल हमारे पास साधन बहुत सारे हो गए, हमें कुछ भी चाहिए, हम फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं पूरे टाइम, हर समय हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है हमारी, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ जो है उसके पर इफेक्ट होता है। जैसे कि सर ने कहा कि हमारा BP कोलेस्ट्रॉल ये सब इंक्रीज़ होता है, तो एक अच्छा वे है, एक अच्छा तरीका है कि हम अपनी लाइफ में एक्सरसाइज कैसे इंक्लूड कर सके, वो साइकिलिंग है। जैसे आप लोग सुबह स्कूल आते हो, कॉलेज आते हो, आप लोग साइकिलिंग मतलब साइकिल चला के स्कूल आ सकते हो, आपको कहीं भी जाना, आप साइकिल चला सकते हो, शाम को एक घंटा अगर आप साइकिल चलाओगे आपकी हेल्थ फिट रहेगी, आप अपनी स्टडीज में ज़्यादा फोकस रहोगे, आप अपने एम जो है उसको ज़्यादा अच्छे से अचीव कर पाओगे, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। जब तक आप हेल्दी नहीं हो आप कुछ भी अपनी लाइफ में कैसे अचीव कर पाओगे, बीमार हो जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो क्लियर नहीं कर पाओगे, तो हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। और हम आजकल की यंग जनरेशन, हमें हर चीज़ फ़ोन पे मिल जाती है, तो फ़ोन हम अवॉइड ऐसे कर सकते हैं कि अपना शेड्यूल रख सकते हैं कि इतने से इतने टाइम अगर मैं साइकिलिंग या एक्सरसाइज कर रही हूँ तो वो इम्पॉर्टेंट है, उसको अगर आप डेली लाइफ में इंक्लूड करोगे वो डिसिप्लिन हो जाएगा, जो कि मोटो है NCC का। तो इसके थ्रू हम अपनी जो लाइफ है उसके अंदर डिसिप्लिन ला सकते हैं, अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, अपनी कंट्री जो है उसका फ्यूचर अच्छे से हम उसको प्रोग्रेस ज़्यादा कर सकते हैं हमारी कंट्री, बिकॉज यूथ जो है वो हमारी पावर है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आपको साइकिलिंग जो है उस पर यू शुड हैव मोर फोकस टुवर्ड्स। हाँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे सबके जो सर हैं, गुरुजी हैं, डॉक्टर CB त्रिपाठी सर, जो अभी डीन है दाहोद में, गुजरात में एक जिला है दाहोद, वहाँ पे डीन है, डीन मीन्स प्रिंसिपल, मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल को डीन बोलते। तो सर ने 2017 में हमारा एक नेशनल कॉन्फ्रेंस था, तो हम लोग 200 किलोमीटर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस तक साइकिल पर गए थे। जैसे अभी हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस है कोलकाता में, तो हम लोग यहाँ से इस्कॉन मायापुर से कल्याणी साइकिल पर जा रहे। तो ये 2013 से चालू हुआ था, तो सर आप प्लीज़ थोड़ा सबको आशीर्वाद दे दीजिए। मेरी बात तो ये कि एक ज़माने में हम भी NCC के कैंडिडेट हुआ करते थे, मैं भी BE और CE सर्टिफिकेट पास विद्यार्थी हूँ, हम फाइटर अपने यूनिट का एस कैडेट ये सब है मेरे पास साथ में। NCC में है तो मुझे कुछ ज़्यादा कहने का
है ही नहीं, आप खुद ही डिसिप्लिन है, पर फिर भी इसके पहले क्या बोला गया मुझे ध्यान में नहीं है, फिर भी मुझे जो कहना है बता रहा हूँ। एनएमओ नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन ने साइकिलिंग का एक माध्यम लिया है ना, आपने रूटीन में कर लीजिए, आपको सवेरे सवेरे एक घंटा घूमने जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, काले जाना है तो एक आपका साइकिलिंग हो जाएगा 30 मिनट 40 मिनट जितनी दूर भी है। तो साइकिलिंग एक व्यायाम का माध्यम है, आप चाहें तो सवेरे स्विमिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, और चाहो तो आप जिम जा सकते हैं, हर कॉलेज मेडिकल कॉलेजेस में तो जिम कंपलसरी है, तो जिम सो सकते हैं, कुछ भी मतलब अपने को कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना है उसमें आप आने बैडमिंटन खेल सकते हैं, टेबल टेनिस खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, हॉकी खेल सकते हैं, जैसा जो चाहें और कुछ खेलना है। सिमिलरली लड़कियों में भी है डांस फॉर्म जो भी है, कथक कथकली भरतनाट्यम जो भी डांस फॉर्म्स हैं उसमें डांस कर सकते हैं, डांस मतलब एक एरोबिक एक्सरसाइज का भाग है, एरोबिक एक्सरसाइज का वो भाग है, कुछ भी एक्सरसाइज करना है। अब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है सीरोटोनिन, वो सीरोटोनिन जब शरीर में बढ़ता है तो हमको डिप्रेशन आएगा ही नहीं, ठीक है ना, और रोजाना मतलब 30-40 मिनट आपने कुछ भी किया, अब जैसे मान लो कि सप्ताह में 2 दिन आपकी एनसीसी हो रही है तो आपने अच्छे से परेड किया है ना, पूरा मतलब हाथ आगे पीछे ले जा करके लेफ्ट राइट अच्छे से हुआ, वो भी एक तरह का एक्सरसाइज ही हो गया आपका, आपका जो परेड हो रहा है, और उसमें यदि आपने फिर जोर से उसमें भारत माता की जय लगाई मतलब उसमें आपका लंग एक्सरसाइज भी हो गया है ना, जय हिंद जय भारत लगाया वो भी आपका एक कहना है लंग एक्सरसाइज हो गया। किसी भी ढंग से हमारे रूटीन में कितना भी बिजी शेड्यूल हो कुछ आपको व्यायाम करने का है।